हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तीन पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, और बहुत ही तीनों पार्ट्स में जो हमारी इंडिया है, हमारा जो देश है, उसकी अलग अलग झलक हमें देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये लूशियो रॉग्रीड्स ने लिखा है। दूसरा पार्ट है कुर्क, इट इज अ प्लेस इन इंडिया, जो कि लोकेश एब्रॉल ने लिखी है। एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम असम, दैट इज अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बिफोर यू रीड पढ़ेंगे एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास। दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी जो कि आपको क्लास में डिस्कस करनी है। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, ऐसी कौन सी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं लोगों की और ऐसी जगहों की जो आपके माइंड में आती हैं जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। द सेकेंड थिंग इज व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपको वो पार्ट सोचने हैं इंडिया के जिसमें आप रहते हैं या फिर आपने वो देखे हुए हैं। क्या आप कुछ ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बता सकते हैं, उन जगहों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे यूजुअली जो लोग हैं आते हैं उस जगह को देखने के लिए, वहाँ की जो भी चीजें फेमस होती हैं, पॉपुलर होती हैं, उन्हें देखने के लिए। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, डच और फ्रेंच लोगों के अलावा हमारे कंट्री में पुर्तगीज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सो आपको ये बात पता है या नहीं पता? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस, और क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का कौन सा पार्ट फ्रेंच और पोर्टुगीज की इन्फ्लुएंस है, वहां पे उन चीजों की झलक देखने को, उसके कल्चर की झलक देखने को हमें मिलती है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी, और क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कौन से पार्ट्स में इंडिया की टी और कॉफी उगाई जाती है। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये इन्हीं तीनों जो पार्ट्स हैं चैप्टर के, उनसे रिलेटेड है। जो हमारी स्टोरी है इस चैप्टर की, वो इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। वो हमें इंडिया के इन पार्ट्स में, जैसे गोवा, कुर्ग और असम में, डिफरेंट जो ग्लिम्पसेस हैं अलग अलग कल्चर्स की, वो हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये जो फोटो है, ये लूसियो रॉग्रीड्स की है, जिन्होंने अ बेकर फ्रॉम गोवा लिखा था। तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। A Baker from Goa, Chapter 7, Part 1. So, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो यहाँ पे हमारे राइटर कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी है वो एक पेन पोर्ट्रेट है, एक पेन से लिखी गई चित्र है, मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग में एक पिक्चर बनाई है ट्रेडिशनल गोवन विलेज की, जो कि ट्रेडिशनल गोवा के गांव होते हैं उस साइड की। बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, वहां के जो बेकर्स होते हैं उनकी अभी भी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब जो हमारे से जो बड़े होते हैं हमारे, उन्हें अक्सर ये बात करते हुए सुना जाता है, क्या याद करते हुए? रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, बहुत ही ज्यादा पुरानी समय के बारे में, पुराने अच्छे दिनों के बारे में जब हम सोचते हैं उसे बोलते हैं रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली। वो उन गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज के बारे में सोचते हैं जिस टाइम के जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। लोव्स ऑफ ब्रेड पोर्तुगीज स्टाइल के इस तरीके के होते हैं, जो आज के टाइम में हम बोल सकते हैं जैसे हम पाव खाते हैं ना, उस स्टाइल के जो ब्रेड होता था उसे वो लोग लोव्स ऑफ ब्रेड बोलते थे, जो पोर्तुगीज स्टाइल के होते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, उन लोव्स को खाने वाले लोग थे वो शायद खत्म हो चुके हैं, पर इनको जो बनाने वाले थे, जो बेकर्स थे, वो आज भी जिंदा हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, आज भी हमारे बीच वो लोग हैं जो कि उसे मिक्स करते हैं, उन्हें मोल्ड करते हैं, उन्हें गूंथते हैं और उनको बेक करते हैं, उन लोव्स को। ये जो भट्टियां होती थी इनके अंदर ये लोव्स जो है वो बेक किए जाते थे और इनको मोल्ड किया जाता था, इनको आकार दिया जाता था इस शेप का जिस चीज के लिए फेमस थे। Those old age furnace time tested furnaces still exist, ये जो पुराने जमाने की भट्टियां होती थी वो कुछ इस तरीके की होती थी, वो आज भी वहां पर है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished, जो फायर है उन भट्टियों के अंदर की वो अभी भी बुझी नहीं है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places, अब जो थड और जिंगल, थड होती है एक टैप की साउंड होती है बार बार जो आती है, और जिंगल होती है एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और सिंपल ट्यून होती है जो कि आपको इजीली रिमेम्बर हो जाती है।
तो वो आवाज जो है ट्रेडिशनल बेकर्स, जो पुराने बेकर्स होते थे जिनका काम ही बेकिंग का होता था, उनके बैम्बू से आती थी और वो आवाज लगा रहे होते थे हेराल्डिंग हिज अराइवल, मतलब अपने आने की खबर देते हुए सुबह सुबह. कैन स्टिल बी हर्ड, वो आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि जो फादर हैं वो अब जिंदा नहीं है, जो वो प्रोफेशन करते थे, जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, पर उनके जो बेटे हैं वो आज भी उस फैमिली प्रोफेशन को चला रहे हैं. फैमिली प्रोफेशन मीन्स जिनके पूर्वज भी वही काम करते आ रहे थे और जो अब की जनरेशन है वो भी सेम प्रोफेशन करती है. दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर इन गोवा. और ये जो बेकर्स हैं इन्हें आज भी गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड. अब जब हम बचपन में छोटे थे, गोवा के अंदर रहते थे, तो जो वहाँ के बेकर होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, कंपेनियन एंड गाइड. वो हमारे साथी होते थे और हमारे गाइड भी होते थे. गाइड वो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, वो भी होते थे. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में दो बार आते थे. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बकेट. पहला चक्कर उनका कब लगता था? मॉर्निंग के अंदर, जब वो अपने बंस जो है, लोव्स ऑफ ब्रेड है, वो बेचने के लिए आते थे. और उनका दूसरा चक्कर तब लगता था जब वो बास्केट्स थी जो उनकी बड़ी बड़ी, वो खाली हो जाती थी. The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him. अब जो उनकी आवाज होती थी continue, जो वो बेचने आते हैं तो वो एक जिंगल गाते हैं जिससे पता चल जाता था कि वो लोग आ गए हैं. और उनके बैम्बू स्टिक की जो थड की आवाज होती थी, जब अपन किसी चीज पे टैप करते हैं तो वो, जब वो बैम्बू टैप करते थे, उसकी जो आवाज थी उससे बच्चे उठ जाते थे सुबह सुबह और उनके पास दौड़े दौड़े चले जाते थे उन्हें ग्रीट करने के लिए, जैसे हम सुबह उठ के ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे. Why was it so? ऐसा क्यों था? Why was it for the love of the love of the loaf? क्या ये जो loaves होते थे, ब्रेड होती थी, उनके लिए इनका प्यार था, मतलब वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद थे? Not at all. नहीं. The loaves were bought by some Paskin or Baston, the maid servant of the house. नहीं, ऐसा नहीं था. ये जो loaves थे, ये तो जो Paskins और Bastons होते थे, जो maid या servant होते थे घर के, मतलब जो नौकर चाकर होते थे, वो लेके आ जाते थे. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. हमें किनकी मतलब जरूरत थी, हम किस चीज के लिए भागे भागे जाते थे? ब्रेड बैंगल्स के लिए. ब्रेड बैंगल्स की मैं आपको इमेज दिखाती हूँ कि वो किस तरीके के दिखते हैं. ब्रेड बैंगल्स इस तरीके के दिखते हैं. यूजुअली ये स्वीट होते हैं खाने में और ये बैंगल्स की शेप में होते हैं. तो जो बच्चे थे वो इन ब्रेड बैंगल्स के लिए भागे भागे जाया करते थे उनके पीछे और बहुत ज्यादा केयरफुली इनको चूज किया करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. बहुत सी बार क्या होता था, ये बहुत ही ज्यादा मीठे होते थे और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाए जाते थे. The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. अब क्या है, जो बेकर है वो एक म्यूजिकल एंट्री लेता है. आवाज, म्यूजिकल एंट्री मीन्स एक म्यूजिक बज रहा है, जैसे वो थड की साउंड आती है और वो जिंगल गा रहा है, झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. जो बैम्बू की स्टाफ, जो उन्होंने लकड़ी बनाई होती है बैम्बू की, उसकी एक अलग ही झंग झंग की आवाज होती है, उससे वो एक म्यूजिकल एंट्री करता है सुबह सुबह. One hand supported the basket on his head. एक हाथ से तो सर पे वो अपने बास्केट को संभालता है. And the other banged the bamboo on the ground. और दूसरे हाथ से वो उस बैम्बू स्टिक को जमीन पर मारता है जिससे ये झंग झंग की आवाज आती है. He would greet the lady of the house with good morning. वो जो घर की महिला होती है उसे गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करता है. And then place his basket on the vertical bamboo. और अपनी बास्केट को उसके ऊपर, वर्टिकल बैम्बू जो खड़ा होता है बैम्बू, उसके ऊपर रख देता है सपोर्ट के लिए. The kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब हम बच्चों को क्या किया जाता है कि एकदम से पीछे हटा दिया जाता है, साइड में हटा दिया जाता है, रिब्यूक करके. रिब्यूक होता है an expression of disapproval, a scolding, डांट के. और जो loaves होते हैं, यहाँ पे जो ये loaves मैंने आपको ऊपर दिखाए थे ब्रेड के, वो होते हैं, उनको सर्वेंट को दे दिया जाता है. बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम हार नहीं मानते, जो छोटे बच्चे होते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट and peep into the basket somehow. अब हम क्या करते थे कि हम किसी न किसी तरीके से बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट के ऊपर. पैरापेट एक बहुत ही ज्यादा नीची वॉल होती है जो बालकनी में होती है, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उस बास्केट के अंदर झांकने लगते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. मैं आज भी उनकी जो बहुत ही अलग तरीके की खुशबू थी, उनको, मुझे वो खुशबू याद है. Loaves for the elders and the bangles for the children. जो loaves होते थे वो बड़े लोगों के लिए होते थे और ये जो bangles होते थे वो छोटे बच्चों के लिए होते थे.
देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली. तो हमें किसी भी चीज का सुबह सुबह ध्यान नहीं रहता था, ना हमें ब्रश करना याद रहता था, ना अपना मुंह धोना याद रहता था. हम दौड़े दौड़े उनके पास चले जाते थे. एंड वाई शुड वी, पर हमें ऐसा क्यों करना था? वाई वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. हम इतनी परेशानी क्यों झेलें, हम एक मैंगो लीफ को तोड़ें और फिर उसका टूथब्रश बनाएं, इतना सब कुछ हम क्यों करें? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा जरूरी क्यों है? इस ये जो सारी चीजें हैं, ये जब ये लोग बच्चे थे तब सोचा करते थे. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने दांत ब्रश नहीं करता. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो एक गरम गरम चाय होती है वो आपका जो माउथ होता है वो बिल्कुल अच्छे से वॉश कर देती है और क्लीन कर देती है. ऐसा कह के, मतलब ये जो उन्होंने यहाँ पे इडियम दिया है कि जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, दैट इज अ वे कि आपको सुबह उठ के ब्रश ना करना पड़े और जो चाय होती है गरम गरम उससे आपका जो माउथ होता है वो ऑलरेडी क्लीन हो जाता है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. अब जो हम शादियों में गिफ्ट्स देते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता था अगर हम उसमें ये जो स्वीट ब्रेड है वो ना दें, जिन्हें बोल नाम से जाना जाता था. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस, उसी प्रकार से जैसे कि एक पार्टी या कोई भी फीस्ट मतलब दावत अपना चार्म लूज कर देती थी बिना ब्रेड के. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, इतना कहना काफी नहीं होगा कि एक जो बेकर है वो एक गांव के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था उस टाइम में. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो लेडी ऑफ द हाउस होती है, जो घर की महिला होती है, उन्हें सैंडविचेस बनाने होते थे कब? जब उसकी बेटी की मंगनी होती थी तब. एंगेजमेंट होता है मंगनी. केक्स एंड बॉलीहांस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और जो केक्स और बॉलीहांस, बॉलीहांस हमें यहाँ पे बताया गया था अभी कि स्वीट ब्रेड होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे क्रिसमस पे या फिर दूसरे त्योहारों पे बनाने. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए बेकर्स का होना और बेकर्स की जो भट्टियां होती हैं उनका होना गांव में बहुत ही ज्यादा जरूरी था. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. अब उस समय में जो बेकर होते थे या फिर जो ब्रेड बेचते थे वो होते थे, उनकी एक peculiar बहुत ही अलग तरीके की ड्रेस होती थी, जो कि यहाँ पे इस फोटो में मैंने दिखाई है. एक सिंगल फ्रॉक साइड की ड्रेस होती है, बहुत ज्यादा लूज होती है और ये नी तक होती है. और यहाँ पे एक बेकर ही है जिसने यहाँ पे कुछ बैंगल्स टांगे हुए हैं और बास्केट में लोव्स रखे हुए हैं. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक सिंगल पीस होता है, इतनी लंबी फ्रॉक होती है जो कि नीज तक होती है. इन आर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. अब उन्होंने अपने बचपन में बेकर्स को देखा हुआ है कि वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे जो कि छोटी होती थी, मतलब फुल नहीं होती थी, नीज से नीचे तक होती थी और जो एंकल्स होते हैं उनसे ऊपर तक होती थी. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedar. और आज के टाइम में भी अगर कोई इंसान इस तरीके की ड्रेस पहनता है जो कि ट्राउजर होता है नीज से नीचे, तो उसे कॉमेंट किया जाता है कि उसने एक पैडर की तरह अपने आप को ड्रेस किया हुआ है. The baker usually collected his bills at the end of the month. जो बेकर होते थे वो महीने के अंत में अपना बिल कलेक्ट करते थे. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. जो मंथली अकाउंट था, जो महीने का अकाउंट रखा जाता था, वो किसी भी दीवार पे पेंसिल से लिख के रखा जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. जो बेकिंग का प्रोफेशन था, काम था, वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट का बिजनेस था पुराने समय में. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. जो बेकर्स होते थे और उनके जो परिवार होते थे वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे. स्टार्व मीन्स भूखे मरना. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. वो और उसका परिवार, मीन्स बेकर और उसका परिवार और उसके जो नौकर चाकर होते थे, वो हमेशा खुश और संपूर्ण लगते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. उनका जो प्लम्प फिजिक होता था, प्लम्प फिजिक कुछ इस तरीके का होता है, जो मोटे लोग होते हैं ना वैसे वो लोग होते थे, वो ये दर्शाते थे कि उनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्हें होता है और वो पैसे अच्छे कमाते हैं. इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपियरेंस इज इजीली कम्पेयर टू अ बेकर. और आज के समय में भी कोई भी इंसान अगर एक जैक फ्रूट ये एक फ्रूट होता है, इसे हिंदी में कटहल बोलते हैं, इस तरीके की फिजिक वाला जो आदमी होता है उसे इजीली हम लोग किसी भी बेकर से कंपेयर कर देते हैं. सो यहाँ पे जो है वो गोवा के बेकर्स की एक झलक हमें देखने को मिली है, जो कि हमारे ऑथर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर्स एंड ट्रेडिशनल टाइम में कितना ज्यादा बेकिंग का और इन लोव्स का क्रेज बच्चों के अंदर हुआ करता था. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया.
थैंक यू।